गुजरात की राजनीति हो या फिर दिल्ली की सियासत, अमित अनिल चंद्र शाह यानी अमित शाह का रसूख हर जगह दिखा। वो स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं कि विपक्ष के पास भी इसकी काट नहीं होती। हारी हुई बाजी को पलटने में भी वो माहिर हैं। आइए आपको दिखाते हैं सियासत के चाणक्य की कुछ ऐसी रणनीति जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंची और विपक्ष बौना होता चला गया। अमित शाह एक भरोसे का नाम है, अमित शाह चुनावों में जीत का नाम है, तभी तो अमित शाह राजनीति के शहंशाह के तौर पर पहचान रखते हैं। अमित शाह को यह तमगा यूं ही नहीं मिला, ये उनकी मेहनत, लगन और जुझारूपन का नतीजा है। गुजरात से शुरू हुआ उनका गेम चेंजर रूप आज तक जारी है। बीजेपी को लगातार दो बार दिल्ली की सत्ता दिलवाने में अमित शाह का अहम रोल रहा है और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ये बात कुछ हद तक सही है क्योंकि जिसने भी यूपी पर फतेह किया उसके दिल्ली दरबार में काबिज होने की संभावना सबसे प्रबल होती है। इसी संभावना को देखते हुए बीजेपी ने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद सिपाही को 2013 में यूपी का प्रभार दिया। आम चुनाव से महज 10 महीने पहले शाह को यूपी की जिम्मेदारी दी गई, जो किसी चैलेंज से कम नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी किसी तरह से डबल डिजिट तक पहुंची थी। ऐसे में अमित शाह के सामने बीजेपी की जमीन बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रभार मिलते ही अमित शाह फुल एक्शन में जुट गए। बिना वक्त गवाए उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शहर शहर और गांव गांव गए, संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रणनीति बनाई, जी तोड़ मेहनत का परिणाम भी दिखा। 2014 के चुनाव में यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर कब्जा कर इतिहास रचा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 out of 80। यूपी में शानदार जीत का परिणाम भी दिखा। दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी विराजमान हो गए और शाह का कद बढ़ गया, इतना बढ़ा कि अमित शाह को बीजेपी के अध्यक्ष पद से नवाजा गया। 2014 में महज 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, जहां बीजेपी अकेले या फिर गठबंधन के साथ सत्ता में थी। लेकिन इसके बाद शाह ने जीत की गारंटी वाली ऐसी ऐसी रणनीतियां तैयार की कि बीजेपी के खाते में एक के बाद एक राज्य आते गए। हाल ही में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त अमित शाह भले ही बीजेपी अध्यक्ष ना हो, लेकिन स्ट्रेटजी वो खुद बनाते थे। बंगाल में बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी, एक एक क्षेत्र में कई कई नेताओं को भेज दिया, दीदी को हराने के लिए पूरा दमखम दिखाया। दीदी हारी तो नहीं, लेकिन बंगाल में भगवा रंग कई जगहों पर दिखने लगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटों पर कब्जा किया। अमित शाह सियासत के शाह क्यों हैं, अब जरा ये भी जान लीजिए। कर्नाटक और एमपी के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर थी, लेकिन जब दोनों राज्यों की तत्कालीन सरकारों में सिर फुटव्वल शुरू हुआ तो वहां के बागियों को बीजेपी का रास्ता सूझा। बीजेपी ने मौके को भुनाया और चुनावों में हाथ से निकले दोनों राज्यों में सरकार बनाई। माना जाता है कि सियासत की इस चौसर के खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अमित शाह थे, लेकिन असली बाजीगर के तौर पर शाह तब दिखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे शासनकाल में उन्हें गृह मंत्री बनाया। नॉर्थ ब्लॉक में बैठने के कुछ ही महीने के अंदर उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो इससे पहले किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने वाले अनुच्छेद 370 के खात्मे का ऐलान किया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूँ, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए।
पार्टी ने जब जब शाह को जिम्मेदारी दी, शाह ने खुद को साबित किया। तभी तो गुजरात से बीजेपी का गुरूर और मोदी के साथी बने अमित शाह आज बीजेपी में दूसरे नंबर का पावर सेंटर माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।